स्टार्टिंग से हम क्या कर रहे होते हैं? बास्केट साइज। क्या ले रहे होते हैं? बास्केट साइज। बास्केट साइज एवरेज बास्केट वैल्यू या एवरेज बास्केट साइज की ग्रोथ हम ले रहे होते हैं अपसेलिंग से। अब ये होता कैसे है? जाहिर हमें पता चल गया कि भाई हमें आईपीटी में भी ग्रोथ चाहिए और यूपीटी में भी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि आईपीटी से हमारा क्या हो रहा था, इनसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा हम सीएल भी बढ़ा रहे हैं, बेसिकली सीएल भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि वो लालची इंसान वाला तरीका कि भाई मुर्गी में से सारे अंडे निकाल लो पहले से, तो उसने मुर्गी काट दी। अब वो अंडे तो निकले नहीं लेकिन मुर्गी भी कट गई। ठीक है, तो कस्टमर इज अ मिल्किंग काउ, आप उसमें से सारा मिल्क एक साथ नहीं ले सकते, आपको उस कस्टमर को फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको उसको रिटेन करना होता है, आपको उसको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप इसीलिए कहा जाता है ना, इसको लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कहा जाता है। तो इसीलिए उसको करने के लिए आपके पास ये दो स्ट्रैटेजीज होती है जो आप यूटिलाइज करते हो, जिससे उसका एक तो नंबर वन उसकी इंगेजमेंट भी बढ़ती है। इंगेजमेंट का मतलब होता है कस्टमर का ट्रस्ट। कस्टमर एक बार ही जब आपके पास आता है कुछ लेने के लिए तो आपको सबसे पहले उसके साथ वो ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ता है। अगर वो नहीं होगा कस्टमर रेजिस्टेंट होगा, कस्टमर आपके साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा, आपके साथ ज्यादा शेयर नहीं करेगा बात, और आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा। तो अल्टीमेटली आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, और आप उसको सजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। लिहाजा सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपने कस्टमर के साथ प्रॉपर तरीके से उसका पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके साथ इंगेजमेंट क्रिएट करनी है। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद जब आपको पता लग गया कि आप कस्टमर को क्या चाहिए, तो अब आप उसको सजेस्ट करते हो, या तो आप क्रॉस सेल सजेस्ट करते हो या तो आप अपसेल सजेस्ट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, या समटाइम्स आप दोनों कर रहे होते हो, और आइडियली दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे हम, एक कोट है इफ यू कैन रीड इट, और ये बड़ा बड़ा सच्चा कोट है, बड़ी हकीकत है इस बात में। क्या लिखा हुआ है ये जरा पढ़ें इसको, जरा लाउडली पढ़ें। इफ अ पर्सन हु डजंट वांट्स टू बाय विल इवेंचुअली विल अल्टीमेटली नॉट बाय, बट इफ समवन वांट्स टू बाय विल लुक फॉर रीजंस टू बाय। कि भाई अगर किसी ने लेनी है कोई चीज ना, तो वो अल्टीमेटली ले लेगा, आपसे नहीं लेगा तो किसी और से ले लेगा, बाय कर लेगा, लेकिन किसी ने नहीं लेनी तो वो नहीं लेगा। अच्छा, अब जरा इसमें जो इसका जो दूसरा पहलू वो समझे, जिस शख्स ने कोई चीज खरीदनी होती ना, नहीं खरीदनी होती तो वो पैसे नहीं खर्चता उस चीज के ऊपर। आपको कोई चीज नहीं खरीदनी, आपको कोई 10,000 मरतबा बोल दे आप नहीं खरीदेंगे, लेकिन फर्ज कर लें कि कोई ऐसी चीज है जो कि आपके दिल में रखी हुई है, कोई ऐसी पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है जो आपको लेने की ख्वाहिश है लेकिन आप ले नहीं रहे, कोई वजह है आप नहीं ले रहे, आप क्या करेंगे? आप रीजन ढूंढेंगे उस चीज को खरीदने के लिए। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं, जरा रीजंस की हम बात कर लेते हैं। क्या रीजंस होने चाहिए किसी चीज को खरीदने के लिए? लुक्स गुड फॉर मी। हाँ, लुक्स गुड फॉर ऑल। सबसे पहला रीजन जो, चलो पहले प्रैक्टिकल बात करते ना, लुक्स गुड तो चलो ठीक है, वो मुझे पता है बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू बाय, मेरे बजट में है, अफोर्डेबल है मेरे लिए। जब तक आपका इंडिविजुअल, आपका फैशन एडवाइजर बताएगा नहीं कस्टमर को जाके कि सर इस पे डिस्काउंट हमने लगाया है, सर ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है इस पे डिस्काउंट है, आप ये भी जरा देखिएगा, जब तक वो बताएगा नहीं, एजुकेट नहीं करेगा, जब तक कैसे कस्टमर को पता लगेगा कि यार ये एक्चुअली मेरे बजट में है। ठीक है, तो बताना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, और क्या रीजंस हो सकते हैं कि भाई मेरे पास लेट सपोज अभी बहुत सारा टाइम है, मेरे पास टाइम है उस चीज को देखने के लिए, बाय करने के लिए। बाज दफा हम जरा जल्दी में होते हैं तो इस वजह से प्रॉपरली देख नहीं पाते, हर एक डिपार्टमेंट को देख नहीं पाते। आपके पास टाइम होगा तो आप देख पाओगे, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, एक इंडिविजुअल क्या बोल सकता है कि सर अगर आपके पास टाइम है तो आए, मैं आपको जरा एक विजिट कराऊं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट का, आप वो भी देखें, वहां पे हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आई हैं, बहुत अच्छी अच्छी हमने प्रोडक्ट्स उसमें लॉन्च किए, तो आप जरा एक नजर आप आए तो मैं आपको अपना स्टोर विजिट कराऊं, स्पेशली नए स्टोर्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आए सर मैं आपको अपना जो है वो होम का डिपार्टमेंट विजिट करवाऊं,
आज से आपको मैं अपना जो है वो ऊपर मेंस का डिपार्टमेंट अनस्टिच का डिपार्टमेंट विजिट कर रहा हूं। तो जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करोगे जब तक नहीं। अच्छा, इसमें बार दफा कस्टमर्स को मोटिवेशन भी चाहिए होती है कि सर ये बड़ा अच्छा लगेगा आपके ऊपर, आप इसको वेयर करके देखें, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, बड़ा कंफर्टेबल प्रोडक्ट है, आप इसको वेयर करके देखें। और कस्टमर को क्योंकि वैलिडेशन भी चाहिए होती है। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है? आपने कोई अचीवमेंट की, अब आप उसको 10 लोगों को जाके बताते हैं कि यार मैंने ये फला काम कर दिया। क्यों बताते हैं? आपको उनसे अप्रूवल चाहिए होती है, वैलिडेशन चाहिए होती है कि यार ये बड़ा अच्छा काम किया। और जब दूसरे उसको अप्रूव करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार वाकई, वो रीअश्योरेंस आ जाती है आपके अंदर, उस चीज की गारंटी हो जाती है कि हाँ यार वाकई मैंने कोई काम किया। आप कोई ऐसी अचीवमेंट करें, आप किसी को ना बताएं, आपको वो खुशी नहीं आएगी जब तक आप उसको जाके 10 लोगों को नहीं बताएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दूं, अकेले जो है वो एक कमरे में आप बैठे, मैं आपको लाके सर्टिफिकेट, आप उसको जाके स्टोर पर सबको दिखाएंगे कि देखो यार जरा सर्टिफिकेट, और कोई नहीं भी देख रहा होगा तो ऊपर रख देंगे आप टेबल पे ताकि हर बंदा देख ले कि यार भाई को कोई अचीवमेंट भाई की हुई है। ठीक है, तो ये वैलिडेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के लिए। सर ये बड़ा अच्छा साइज, बड़ा अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, ये बड़ा अच्छा फिट कर रहा है आपके ऊपर, आपकी कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बड़ा अच्छा है ये। तो ये कुछ वैलिडेटरी स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपने खुद भी करने हैं, अपने फैशन एडवाइजर से भी करवाने हैं। ये हम बात किस चीज की कर रहे हैं? जिसके पास डिजायर है बाय करने की, जो रीजंस ढूंढ रहा है, रीजंस कि मैं करूं या नहीं करूं, आप उसको बताएं कि सर अफोर्डेबल है, आप उसको बताएं कि सर ये टाइमली है, आपके पास अगर टाइम है तो आए जरा मैं आपको इसके बारे में समझाऊं। आप उसके बारे में प्रोडक्ट की नॉलेज उसको प्रोवाइड करें कि क्यों सर इसको बाय करना चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा जब तक आपको नहीं पता लगेगा कोई प्रोडक्ट की नॉलेज में क्या क्या चीजें आती हैं। जी आपको पता हो कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट की फीचर्स, और दूसरा बेनिफिट्स। फीचर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बेनिफिट्स हैं। फीचर्स कैन बी सीन बाय एनीवन। ये कोड तुमने डाला हुआ है ना, इसकी फीचर्स मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यार इसका कपड़ा ऐसा है, इसके अंदर ये फैब्रिक यूज हुआ हुआ है, ये काले रंग का है, इसका साइज ये है, ये इसकी फीचर्स है जो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट्स मैं देख नहीं पाता। जो कि शायद ये एक्सपीरियंस कर रहा होगा कि यार ये सर्दी में बड़ा अच्छा प्रोटेक्ट करता है, यार ये शादी में भी चल जाता है और कैजुअली भी चल जाता है, ये पार्टी वेयर में भी चल जाता है और ये नॉर्मली मैं इंटरव्यू में पहन के जाता हूं तो भी चल जाता है। तो ये क्या है? इसके फीचर्स है, ये बेनिफिट्स है, सॉरी, जो ये एक्सपीरियंस करेगा आफ्टर बाइंग, आफ्टर वेयरिंग, आफ्टर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट। तो आपको पता हो कि भाई एक प्रोडक्ट है, उसके नॉलेज के अंदर दो चीजें आती हैं, एक उसका फीचर जो देख पा रहा है कस्टमर, देख पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं, मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊं कि भाई ये फैब्रिक कौन सा है, इसका साइज क्या है, इसमें कौन कौन से कलर्स हमारे पास है, इसके इसकी मे बी इसकी गारंटी क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है, इसकी यार्डेज कितनी है, इसके मीटर्स कितना आता है, इसमें सूट कितने में बनता है, और उसका प्राइस भी बताओ कि इसकी क्या प्राइस है, आप विदाउट डिस्काउंट क्या प्राइस है और डिस्काउंट के साथ क्या प्राइस है, वो मुझे पता हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें बेनिफिट्स के बारे में भी पता होगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेनिफिट है क्या, कस्टमर को क्या यूटिलिटी मिलेगी आफ्टर वेयरिंग दैट प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये हमने बात की रीजंस की,